अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुवालेह सोराठिया है और आज हम बात करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पे। अगर आप क्रेडिट कंट्रोल का इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं तो आप पार्ट वन देख लें, और आज हम बात कर रहे हैं पार्ट टू यानी मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल की। दो किस्म के हमारे पास मेथड्स होते हैं, एक कहलाता है क्वांटिटेटिव मेथड्स और एक कहलाता है हमारे क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स की आज बात करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड में सबसे पहला मेथड है जिसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब समझ लेते हैं कि सर ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्रेडिट को कंट्रोल किया कैसे जा सकता है और क्रेडिट को एक्सपेंड कैसे किया जा सकता है। देखें, हमारे पास एक है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रखी होती हैं। वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक अगर बेचेगा कमर्शियल बैंक को, जब कमर्शियल बैंक को वो सिक्योरिटीज बेची जाएंगी तो कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा है वो सारा पैसा उठ के किसके पास चले जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास चले जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक के पास आ गई और कमर्शियल बैंक के पास से पैसा सेंट्रल बैंक के पास चला गया। जब सेंट्रल बैंक के पास पैसा चला जाएगा तो मुल्क के अंदर क्रेडिट क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1,00,000 रुपए की हैं तो वो 1,00,000 रुपए की सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक के पास आ गई और कमर्शियल बैंक का सारा पैसा किसके पास चले गया? सेंट्रल बैंक के पास। जब कमर्शियल बैंक के पास लोगों को लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा, इसका मतलब सर जनरल पब्लिक के पास पैसा नहीं जाएगा और मुल्क के अंदर क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह सर, ये तो मुल्क में क्रेडिट कंट्रोल हो रहा है, अगर मुझे मुल्क के अंदर उधार को फैलाना है, मुल्क के अंदर क्रेडिट को एक्सपेंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? सर अगर सेंट्रल बैंक वही सिक्योरिटीज परचेज करना स्टार्ट कर दे कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक से जब वो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज होंगी तो पैसा सेंट्रल बैंक से फिर से कमर्शियल बैंक के पास चले जाएगा और कमर्शियल बैंक के पास लोगों को उधार देने के लिए बहुत पैसा आ जाएगा, तो फिर से सर अब क्रेडिट एक्सपेंड हो जाएगा। यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर क्रेडिट कंट्रोल भी हो सकता है और क्रेडिट एक्सपेंड भी हो सकता है। अगर हम बेचेंगे सिक्योरिटीज, यानी कि सेंट्रल बैंक, अगर सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को बेचेगी तो मुल्क में क्रेडिट कंट्रोल होगा, और अगर सेंट्रल बैंक परचेज करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तो मुल्क में उधार एक्सपेंड हो जाएगा। तो हमारा दूसरा मेथड है, उसका नाम है कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो का मतलब समझते हैं कि हर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट करवानी होती है। ये मैंडेटरी है, ये बाय लॉ है कि हर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट करवाएगा, ये जरूरी है। इसका मतलब कि सेंट्रल बैंक बताएगा कि कमर्शियल बैंक मेरे पास कितनी परसेंटेज डिपॉजिट करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कमर्शियल बैंक के पास जनरल पब्लिक से 1,000 रुपए आते हैं। जब कमर्शियल बैंक के पास 1,000 रुपए आएंगे, उसमें से सेंट्रल बैंक उससे कहता है कि उसका 10% आप मुझे दे दो, 10% आप मुझे दे दो। तो 1,000 रुपए का 10% यानी के 100 रुपीज सेंट्रल बैंक के पास आ जाएंगे और कमर्शियल बैंक के पास 900 रुपीज रह जाएंगे लोन देने के लिए जनरल पब्लिक को। अगर सेंट्रल बैंक सर कैश रिजर्व की परसेंटेज 10% से इंक्रीज करके 20% कर दे, जब वो 20% कर देगा तो अब सेंट्रल बैंक के पास 200 रुपए रहेंगे और कमर्शियल बैंक के पास 800 रुपए, क्योंकि 1,000 - 200 सेंट्रल बैंक के पास, तो 800 कमर्शियल बैंक के पास रहेंगे, वो 800 रुपए का लोगों को लोन दे देगा। अगर मैं ये कहूं कि सेंट्रल बैंक उसकी परसेंटेज मजीद इंक्रीज कर दे, कहे 20% नहीं, अब तुम मेरे पास 30% तक जमा करवाओगे,
तो इट मींस के 1000 रुपीस के 300 रुपीस किसके पास आ जाएंगे, सेंट्रल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक के पास क्या रह जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास 700 रुपीस रह जाएंगे लोन देने के लिए। समझने की बात क्या है, समझने की बात यह है कि अगर आप देखें तो ये लोन परसेंटेज के इंक्रीज होने से कम होता जा रहा है, जितनी कैश रिजर्व की परसेंटेज ज्यादा होती जाएगी उतना मुल्क के अंदर उधार कंट्रोल होता जाएगा, उतना मुल्क के अंदर उधार कम फैलता जाएगा, क्योंकि पैसा किसके पास जा रहा है, सेंट्रल बैंक के पास जा रहा है। जितना परसेंटेज ज्यादा होगी उतना ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा और उतना कम पैसा कमर्शियल बैंक के पास रहेगा। तो इट मीन्स कि अब कमर्शियल बैंक लोगों को उधार कम देगा तो मुल्क में उधार कंट्रोल हो जाएगा। और अगर हमें मुल्क में क्रेडिट को एक्सपेंड करना है, मुल्क में उधार को फैलाना है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपनी कैश रिजर्व की परसेंटेज को क्या कर देगा, कम करता जाएगा। जब वो कैश रिजर्व की परसेंटेज 30 से 20 कर देगा तो इट मींस अब सेंट्रल बैंक के पास कम पैसा रहेगा और कमर्शियल बैंक के पास लोगों को लोन देने के लिए पैसा ज्यादा हो जाएगा।